केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को मंच से जय वीरू की जोड़ी बताते हुए इशारों इशारों में जनता से चोर कहलवा दिया और फिर शातिराना अंदाज में कहा कि हमने नहीं कहा, ये पब्लिक है, सब जानती है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मैहर में मां शारदा के दर्शन करने के बाद विधानसभा चुनाव 2023 अभियान की शुरुआत की। मैहर भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में सभा को संबोधित करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस के कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को मंच से जय वीरू की जोड़ी बताते हुए इशारों इशारों में उन्हें जनता से चोर कहलवा दिया। फिर शातिराना अंदाज में कहा कि हमने नहीं कहा। भगवान न करे, माँ शारदा मैया कभी ना करे, लेकिन सोचो कि अगर ये सरकार में आए तो मेरे मध्य प्रदेश की 9 करोड़ जनता का क्या हाल करके छोड़ेंगे। मध्य प्रदेश में आकर कांग्रेस महासचिव ने कहा कि ये जोड़ी बड़े भाई, बड़े भाई, ये जोड़ी जय वीरू की जोड़ी। आप में से कितने लोगों ने फिल्म देखा है शोले? जय वीरू की रोल क्या थी शोले में? चोर थे, चोर। मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा, कांग्रेस का महासचिव स्वयं कह रहा है कि दोनों के दोनों चोर हैं। सिंधिया ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव के पहले ही टिकट के दावेदारों को कमलनाथ दिग्विजय सिंह का कपड़ा फाड़ने की बात कह रहे हैं। मां शारदा ना करे, विपक्ष में रहते हुए ये हाल है, अगर सत्ता पर आ गए तो प्रदेश का क्या हाल करेंगे, आप समझ सकते हैं। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह सत्ता की कुर्सी देखते हैं तो उनकी आंखों में चमक आ जाती है और कुर्सी से कहते हैं आजा आजा। ऐसा कभी देखा हो कि एक पूर्व मुख्यमंत्री दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री को कहता है कि लो मेरी पार्वटनी और लो मेरे नाम पे गाना। टिकट वितरण में वही पूर्व मुख्यमंत्री कार्यकर्ताओं को कहता है संतुष्ट नहीं हो टिकट से, जाओ दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री के कपड़े फाड़ दो। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर इस जोड़ी का ये हाल विपक्ष में रहते हुए हो रहा है तो जब भगवान ना लोगों को कभी कमान दोगे मेरे और आपके मध्य में? ये लोग सत्ता हासिल करना चाहते हैं और अगर कुर्सी देगी तो दोनों के आंखों में चमक आ जाती है, ऐसी चमक आ जाती है और कुर्सी को देख के कहते हैं आजा 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 आजा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मैहर को जिला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बनाया है, केवल घोषणा करने से कुछ नहीं होता, सीएम ने कलेक्टर और एसपी को पदस्थ कर दिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने चित परिचित अंदाज में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि ये पब्लिक है, सब जानती है। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी जन जन के दिलों में बसना चाहती है, हम ना नेता बनना चाहते हैं, ना ही अभिनेता और ना ही किसी अभिनेत्री के बगल में खड़े होना चाहते हैं। उन्होंने कहा मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। मैहर को किसी ने जिला बनाया तो इस कमल के फूल के निशान में बनाया। मैहर के अंदर अगर किसी ने मां शारदा लोक का निर्माण करने की योजना बनाई तो कमल के फूल के निशान और शिवराज सिंह चौहान ने बनाई। मेरे भाई और विंद में भी जब दौरा करने आए थे उनके मंच पे मैं भी था, हाँ वादा किया था, पर जिस पार्टी ने वादा खिलाफी की थी उसको धूल चटाने का काम भी नहीं किया। ए बाबू ये पब्लिक है, ये पब्लिक सब जानती है, अजी अंदर क्या है बाहर क्या है ये सब कुछ पहचानती है। फिर है रंग की तैयारी, कौन है किस पर भारी, हर तरफ बेरोजगारी, किसकी है ये जिम्मेदारी, हम दिखाएंगे सिर्फ सच हर रोज दखल न्यूज पर।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।